इक्वाडोर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक टीवी स्टूडियो के लाइव प्रोग्राम में कुछ बंदूकधारी घुसाए और लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। जिस समय ये घटना हुई उस समय चैनल लाइव कार्यक्रम कर रहा था। इक्वाडोर के टीवी स्टेशन टीसी के लाइव प्रोग्राम में नकाबपोश हथियार बंद लोगों ने बंदूकें लहराई और कर्मचारियों को फर्श पर बैठने के लिए मजबूर किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान गोलियों की आवाज भी सुनाई दी। इस दौरान बदमाशों ने लोगों से पुलिस को ना बुलाने की धमकी भी दी। हालांकि इस पूरे प्रोग्राम को काट दिया गया। एक दूसरे चैनल ने टीवी स्टेशन टीसी के बाहर की तस्वीरें दिखाई जिसमें पुलिस नजर आ रही है। स्टेशन के बाहर स्पेशल यूनिट को तैनात कर दिया गया। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने इमरजेंसी की घोषणा की है। इसके बाद से ही देश में हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। देश में 7 पुलिसकर्मियों का अपहरण भी हो चुका है। आइए डालते हैं इस वीडियो पर एक नजर।